हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एक्टिविस्ट। और आज हम लोग आपके साथ जो आज का टॉपिक है दैट इज इंडियन पॉलिटी। और हम आज इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। एंड द टॉपिक जो आज का है हमारा दैट इज प्रेजिडेंट। देखिए, जो प्रेजिडेंट टॉपिक है ये जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे आप एसएससी का दे लीजिए, चाहे आप आर्मी, पटवारी, जीडी, जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में प्रेजिडेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आज हम लोग जो है वो प्रेजिडेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जो प्रेजिडेंट हमारे पास जो प्रेसिडेंट है ये हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में इनके बारे में बताया गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5 में जो है हमने डील किया है यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे जी प्रेसिडेंट को। जो पार्ट 4 है इसमें जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 52 to 78। देखिए, आप लोगों को कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आती है। तो आप क्या याद रखेंगे, पार्ट 5 याद रखेंगे। कौन से आर्टिकल हैं या कौन से अनुच्छेद हैं जो इनके बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 52 to 78 जो है हम इनके बारे में बात करते हैं। अब बात यह आती है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हमारे पास जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें हमारे पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल आते हैं। इसमें एक अटॉर्नी जनरल जो है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो अटॉर्नी जनरल होता है ये हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, यानी कि हमारी कंट्री का सबसे बड़ा जो न्यायवादी, इसे महान्यायवादी भी कहते हैं, तो जो हमारी कंट्री का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ये हमारी गवर्निंग बॉडीज होती हैं, जो हमारे लॉज जो है वो तैयार करते हैं। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, और ये सभी जो है ये पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो प्रेसिडेंट होता है ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी किसी भी कंट्री का जो हेड होगा वो हमारे पास प्रेसिडेंट है। जैसे हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो हमारे इंडिया का हेड है। इसे ही हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे पास सिंबल एक्ट करता है इंटीग्रिटी का, यूनिटी का, सॉलिटरी का, और नेशन को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रेसिडेंट के ऊपर अक्सर बनता है कि इन केस कि प्रेसिडेंट अगर अपनी सीट पे नहीं है, यानी कि उनकी सीट वेकेंट है, तो वेकेंट होने के कुछ कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या डेथ हो गई है, या वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो जिस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट प्रेजेंट ना हो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनका कार्यभार संभालते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उनका कार्यभार संभालते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें हम लोग प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कुछ टाइम के लिए। और ये जो सीट है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही भर के रखी जा सकती है, और उसके बाद हमें 6 मंथ के अंदर अंदर इनके इलेक्शन करवाने पड़ते हैं और प्रेसिडेंट को दोबारा जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है। तो काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन केस प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑफिस तो हु विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट। इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट प्रेजेंट देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इफ चीफ जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट प्रेजेंट देन प्रेजिडेंट इज अपॉइंट देन इज नॉट प्रेजेंट। तो अगर हमारे प्रेजिडेंट नहीं है प्रेजेंट तो हम उनको अपॉइंट कर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कि अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस जो है वो होनी चाहिए। तो फर्स्ट इज योर ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया।
फर्स्ट क्वालिफिकेशन जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन जो बनती है कि मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ऑफ ईयर एज, यानी कि 35 साल से कम उनकी आयु नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो दैट इज 35। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए या क्वालिफाइड होना चाहिए ताकि हम उन्हें लोकसभा का मेंबर जो है वो नियुक्त कर सके। कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस उनके पास नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए पर कौन सा ऑफिस है जो वो रख सकते हैं, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट, यानी कि ये पोस्टें वो रख सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके इलेक्शन के लिए। तो जब कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की जाए तो आप सिंपल याद रखिए, हमारे जितने भी एमपी हैं, जितने भी एमपी हैं प्लस एमएलए, ये इनके लिए वोट करते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि ये काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो मेन डिफरेंस जो इन दोनों में आता है वो सिर्फ इतना है जी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर एमपी और एमएलए दोनों वोट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर हम लोग एमएलए की वोटों को नहीं लेते हैं, सिर्फ एमपी की वोट्स को जो है हम अपने साथ लेते हैं। तो ये था इनके इलेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट देखिए जी, ओथ, यानी कि अगर आप कोई प्रेसिडेंट बनता है तो कौन जो है उन्हें ओथ देता है, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये उन्हें ओथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो उन्हें जो है ओथ दिलाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा इनका जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है जी, 5 साल का होता है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, 5 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। एक व्यक्ति 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी मर्जी बार चाहे वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और इसके बारे में कौन सा आर्टिकल है हमारा जो डील करता है जी, तो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 57 जो है वो इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट देखिए रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट ने कभी भी रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिजाइन करता है। सैलरी जो है वो 5 लाख पर मंथ इन्हें मिलती है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है, प्लस अदर अलाउंसेस। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, दैट इज राष्ट्रपति भवन। और जब ये रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें 50% ऑफ द टोटल सैलरी एज अ पेंशन मिलती है। तो इस टाइम पे जो सैलरी है दैट इज 5 लाख और जो पेंशन है दैट इज 2,50,000 पर मंथ मिलती है। रिमूवल की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट को रिमूव जो है उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस चलाया जाता है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 61 के अंदर आता है। इम्पीचमेंट के लिए हम एक अलग से वीडियो जो है वो डालेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चीजें जो है की जाती है। नेक्स्ट आते हैं जी पावर्स के ऊपर कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स है। तो सबसे पहली पावर जो हमारे प्रेसिडेंट की है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर, दैट इज कार्यकारी पावर। कार्यकारी पावर की अगर बात करें तो वह भारत के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं हमारे इंडिया के। एक्स ऑफिसो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जितनी भी हमारे पास डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स होगी, इन सभी के ये हेड होते हैं। अब हम लोगों ने एक इसके बीच में एक और नई पोस्ट जो है वो अपॉइंट कर दी है, दैट इज CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले ये पोस्ट नहीं थी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐड की है। तो CDS जो है वो डायरेक्टली जो है किसे रिपोर्ट करता है, वो हमारे प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करता है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी हैं जो करते हैं, जैसे कि पीएम,
कभी भी पीएम की नियुक्ति करनी होती है तो वो हमारे जो प्रेसिडेंट है वही नियुक्त करते हैं। जो लोकसभा में मेजोरिटी, जो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना एक लीडर चूज करते हैं, तो जिसे वो नॉमिनेट करते हैं पीएम के लिए, और फाइनल जो अप्रूवल होता है दैट इज द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चीफ कमिश्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, इन सभी की अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काफी बार पूछी जाती है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये 12 मेंबर्स जो हैं ये राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करते हैं और 2 मेंबर्स जो हैं एंग्लो इंडियन लोकसभा के अंदर नॉमिनेट करते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन देखिए 3 तरह से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स अपॉइंट करता है, दैट इज 12। लोकसभा में कितने मेंबर्स अपॉइंट करता है, दैट इज 2। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने मेंबर्स अपॉइंट करता है तो वो हमारे पास 14 मेंबर्स जो है वो हो जाता है। देखिए कभी भी जब पार्लियामेंट लगती है तो सदन को बुलाना और सदन को स्थगित करना ये काम भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। जो भी हमारा फर्स्ट सेशन होता है जी पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस भी प्रेसिडेंट ही करते हैं और लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। जितने भी बिल हैं हमारे पास ये इन्हीं की परमिशन के साथ एक्ट बनते हैं और ये जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या चीज है, देखिए ऑर्डिनेंस जब कुछ भी हमारी पार्लियामेंट रिसेस पीरियड में होती है, यानी कि जिस टाइम पे हमारे पास पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है, उस टाइम पे अगर किसी लॉ की जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट के पास एक परमिशन होती है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर दे। जब कभी भी हमारा सेशन लगेगा तो उस सेशन में हमें उस ऑर्डिनेंस को पास करवाना पड़ेगा। अगर वो ऑर्डिनेंस पास होता है तो वो लीगलाइज होगा, अगर नहीं तो वहीं पे वो नल हो जाएगा। बट व्हेन वी आर नॉट हैविंग अवर पार्लियामेंट इन सेशन, देन प्रेसिडेंट कैन इशू अ ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पावर अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, दैट इज फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो कोई भी नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट हिज हर प्रायर एसेंट, यानी कि कोई भी अगर मनी बिल आप लोगों ने प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट में डालना हो तो उसके लिए हमें प्रेसिडेंट से पहले ही परमिशन लेनी पड़ती है। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं हर 5 साल के लिए, और कॉन्टिजेंसी फंड, इसे हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं, कि अगर वहां से एडवांस ग्रांट चाहिए तो वो भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो यहां से ग्रांट प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, फाइनेंशियल पावर के साथ नेक्स्ट जो हमारे पास पावर्स आती हैं, दैट इज जुडिशियली पावर्स। जुडिशियल पावर में ये आती है कि जो प्रेसिडेंट के पास एक बहुत ही अच्छी पावर है, पार्डन, रिड्यूस और रिमिट द सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्ट, वो किसी को माफी कर सकता है, माफ कर सकता है जी किसी की सजा, दूसरा उसकी सजा को कम कर सकता है, और कुछ उसमें जो है रिमिट का मतलब है जी उसे टोटली जो है माफ भी कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, उनकी नियुक्ति भी हमारे प्रेसिडेंट द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट मिलिट्री पावर्स की बात करें तो मिलिट्री पावर्स में हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस के, और ही कैन डिक्लेयर वॉर और पीस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी वॉर डिक्लेयर करनी है या पीस डिक्लेयर करनी है तो ये पावर किसके पास रहती है, ये पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास रहती है। जितने भी चीफ हैं आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है जी, हमारा प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट कुछ इनके पास इमरजेंसी पावर होती है, तो एक तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ये भी हमारे प्रेसिडेंट द्वारा ही लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, ये भी प्रेसिडेंट द्वारा लगाई जाती है, और आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये भी हमारे प्रेसिडेंट द्वारा ही लगाई जाती है। कैन टेक हिज चार्ज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी स्टेट, अगर चाहे तो किसी भी स्टेट का ये चार्ज अपने हाथों में कभी भी ले सकता है। पार्डनिंग पावर, जैसे क्षमा की बात की है तो एक तो क्षमा करना, दंड विराम देना, छूट देना, राहत करना और विनयम। विनयम का मतलब होता है एक फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हैं कि किसी एक तरह की सजा से दूसरी तरह की सजा में उसको कन्वर्ट कर देना। कुछ हमारे पास इनकी वीटोस पावर होती है,
तीन तरह की वीटो पावर होती है, एक एब्सोल्यूट वीटो, एक सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। नेक्स्ट, अब हम जितने भी हमारे आज तक प्रेसिडेंट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि 1950 से लेकर 1962 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। ही इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग, मतलब ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे और सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा समय के लिए अगर कोई रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है। ये जो है ये कहां से बिलोंग करते हैं जी, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और बिकम प्रेसिडेंट टू टाइम्स, ये दो बार हमारे प्रेसिडेंट बने हैं और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने ही भारत रत्न, पद्म विभूषण और भूषण एंड पद्म श्री इनको शुरू किया था। तो यानी कि अगर कभी ये पूछा जाए कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री ये अवार्ड किसने शुरू किए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शुरू किए। सेकेंड हम देखते हैं जी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1962 से लेकर 1967 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जी और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये काफी बार पूछा जाता है कि टीचर्स डे, जो आप लोगों को सभी को पता है कि टीचर्स डे हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हमारे पास डॉक्टर एस राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी थी। ये कहां से बिलोंग करते थे जी, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। गॉड फर्स्ट भारत रत्न इन 1954 एज प्रेसिडेंट। अब कई बार ये पूछा जाता है कि पहले प्रेसिडेंट जिनको भारत रत्न मिला था, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये वाइस चांसलर रह चुके हैं जी हिंदू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए जी जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन 1967 टू 1969 तक रहे हैं और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा है, यानी कि सिर्फ 2 साल के लिए ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। फ्रॉम आंध्र प्रदेश और वाइस चांसलर थे ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट मुस्लिम, पहले मुस्लिम थे जो हमारे राष्ट्रपति बने थे और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। फर्स्ट पर्सन टू डाई इन हार्नेस, यानी कि ये पहले व्यक्ति थे जो अपने शासन काल में मृत्यु गति जिनको प्राप्त हुई, यानी कि जिस टाइम पे इनका टेन्योर चल रहा था उन्हीं टाइम पे इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जैसे देखिए अभी मैंने कहा कि इनकी डेथ हो गई थी 1969 के अंदर डेथ हो गई, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट आपकी सीट पे है और अगर उनकी डेथ हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है जी एज अ प्रेसिडेंट। तो जो वीवी गिरी थे उनको फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया गया। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसे कुछ समय के लिए हम प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब ऐसा था कि जब वीवी गिरी जी को अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट, तो वीवी गिरी जी ने इलेक्शन लड़ना था प्रेसिडेंट का, उन्हें भी सीट वेकेंट करनी पड़नी थी। तो देखिए प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होगी, वाइस प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होगी, तो उसके बाद बात आती है जी चीफ जस्टिस की। तो जो चीफ जस्टिस थे, पहले चीफ जस्टिस जो हमारे प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे, याद रखिएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला इज द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस। तो पहले जस्टिस जो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वीवी गिरी। तो वीवी गिरी 1969 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर के ऊपर हमारे जो है प्रेसिडेंट बने। सेकेंड इज फखरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे सेकेंड मुस्लिम थे जो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए और ये भी अपने शासनकाल में मर गए थे। यानी कि कई बार पूछ लिया जाता है कि सेकेंड पर्सन टू डाई इन हार्नेस फखरुद्दीन अली अहमद, और इनका टेन्योर जो था वो 3 साल का था। अगर पूछा जाए प्रेसिडेंट के तौर पे सबसे कम सेशन किसका था, तो आप याद रखिएगा जाकिर हुसैन, उसके बाद कौन आया जी फखरुद्दीन अली अहमद, फिर बाकी जितने भी हमारे प्रेसिडेंट, आप किसी का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि सभी का टेन्योर 5 साल का था, और लास्ट में आप लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 12 साल तक हमारे प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, 77 टू 82 और यंगेस्ट टू बिकम प्रेसिडेंट। ही वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 64 इयर्स, यानी कि 64 साल की उम्र में ये हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए। ये कहां से थे जी, ये आंध्र प्रदेश से थे और पहले सीएम थे ये आंध्र प्रदेश के। ओनली मेंबर ऑफ जनता पार्टी टू बी प्रेसिडेंट, यानी कि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो जनता पार्टी से प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। पहले ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और 1977 में अनअपोज्ड निर्विरोधी जो है ये चुने गए। ज्ञानी जैल सिंह फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे हमारे। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला सिख जो हमारा प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठा हो, तो ज्ञानी जैल सिंह 1972 में सीएम ऑफ पंजाब, इन 1900
80 यूनियन होम मिनिस्टर, यानी कि ये सीएम भी रहे हैं पंजाब के और हमारे यूनियन के होम मिनिस्टर भी रहे हैं। आर वेंकट रमन जी जो थे ये ओल्डेस्ट पर्सन थे जो प्रेसिडेंट बने एट द एज ऑफ 76 इयर्स। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर डॉक्टर के आर नारायण के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पहले दलित थे जो हमारे प्रेसिडेंट बने। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी बिकम प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही है हमारी, प्रणब मुखर्जी, एंड लास्ट इज योर रामनाथ कोविंद। इस टाइम पे एट प्रेजेंट हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है जी, रामनाथ कोविंद। अब ये वो फोर प्रेसिडेंट हैं हमारे पास जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो सबसे पहले एस राधाकृष्णन जिनकी बात मैंने पहले की थी, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी एंड लास्ट एपीजे अब्दुल कलाम, ये सभी प्रेसिडेंट हमारे जो है वो भारत रत्न जो है अपने नाम कर चुके। तो दिस इज द सेशन ऑफ प्रेसिडेंट। होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग आगे भी ऐसे वीडियोस बना सकें। थैंक्स टू बी अ पार्ट ऑफ एप्टिविज। जय हिंद, जय भारत, और अपने आप को सेफ रखिए, घरों में रहिए ताकि हम इस लड़ाई में एकजुट होकर जीत सकें। थैंक्स।